मैं सही बोला? नहीं जीजी, आपको गर्मी में रखी आइसक्रीम की तरह पिघलने की कोई जरूरत नहीं। भाई कि आज गलती से इससे ढंग का काम हो गया, लेकिन ये आज भी वही प्रॉब्लम का पकोड़ा है। इस प्रॉब्लम के पकोड़े ने ही तुम्हें प्रॉब्लम से बचाया है इमली। जब अमृत जी तुम भी तरफ बड़े थे तो बचाने के लिए यही बीच में आया था ना? तुमने आज हमारी मदद की तो थैंक यू। मैं राधा रानी का फैन गर्ल, मेरे से लड़ता है तो आंखों में आग डाल के है। थैंक यू बोलते वक्त इधर उधर क्यों देख रहा है? फाइटर मोड ऑन रखो, ज्यादा बदलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं बदलने वाला, मैं नहीं पिघलने वाला। तुम जीतती जी में गंद हो, बर्फ नहीं जो पिघल जाओ। और तुम यही सोच रहा है कि अभी शादी में थोड़ा टाइम है, तब तक मैं फैमिली से थोड़ा क्लोज हो जाएगा, सोचने लगेगा कि अच्छा लोगे, मेरा लोगे, तो तुम बहुत डिसअपॉइंट होने वाला है। नहीं होंगे, तुमसे इतनी समझदारी की उम्मीद हम नहीं रखते। तुम तो यही सोचता होगा ना कि अभी शादी से पहले इतने सारे फंक्शंस बाकी हैं, तब तक मैं चेंज हो जाएगा। तुम बहुत रॉन्ग है इमली, अभी तुमको दिखाता है। अरे बताता है। हाँ क्या? नाना माँ, रजनी आंटी, गोविंद अंकल, प्लीज सब लोग बाहर आइए। जी अब क्या हुआ, क्या हुआ सूर्या, अब क्या हुआ, सब ठीक तो है? नाना माँ, मेरा मन में एक बात आया, गांव का सब लोगों को बुलाना, शादी से पहले 4-5 फंक्शंस करना, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी कल रिंग सेरेमनी होगा, उसमें सेम गेस्ट लोग आएगा, आज जो इसका गॉसिप करेगा घर में किसी ना किसी का मूड ऑफ हो जाएगा। अगर बिन्नी को ओके है और आप लोगों को ओके है तो मैं चाहता है मैं और बिन्नी कल सुबह ही शादी कर ले। कल सुबह? पर बेटे इतनी सारी तैयारी कैसे कर पाएंगे हम लोग? ले रजनी का बात कर रही है, घर के फंक्शन में तैयारी ही कितनी होती है। हाँ परिवार के ही तो लोग हैं, हो जाएंगे, चिंता ना कर। सूर्या तूने ये बात करके ना हमारा मन खुश कर दिया बिटवा। तो ये तय रहा, सूर्या और बिन्नी की शादी कल सुबह ही होगी। ए गोविंद जी, वो कारीगरों को बोल देना कल सुबह आके मंडप लगा जाएंगे। हाँ हम पंडित जी से भी बात कर लेते हैं। हाँ चल खुश रहे। काउंटडाउन बिगिंस इमली, सच बोल दो वरना मैं बिन्नी को इस घर का बहू बना देगा। आई नो बिन्नी का होने वाला बच्चा डियर बाबू का बच्चा नहीं है, पर वारिस वही होगा।